नंबर टू कह रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय 4x² + 5x + 2। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अगर नहीं देखा है नए बच्चों तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखिए, तब समझ में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि हमको फंक्शन नहीं आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो फर्स्ट स्टेप आप छोड़ दीजिए क्योंकि फंक्शन तो दिया ही हुआ है। ये क्यूबिक कह रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फंक्शन है ना, तो ये तो दिया हुआ है। अब आपको x फाइंड करना है, उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप सोचो कि इस 2.01 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। देखो एक्चुअल में आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 2 + 0.1 लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है, 0.01 तो 2 + 0.01 क्या हो जाएगा, 2.01 हो जाएगा। ठीक है, यही बात है, यानी कि यही क्या हो गया आपका f ऑफ, ये हो गया x आपका और ये हो गया डेल्टा x। तो यहाँ से अब आप क्लियर देख रहे हो और यही क्या आपका f ऑफ 2.01। तो f ऑफ 2.01 को हमने क्या लिखा, f ऑफ 2 + 0.01। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया, और डेल्टा x कितना हो गया आपका, डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.01, क्योंकि आपको पता है x प्लस डेल्टा x ही किसके इक्वल होता है, यहाँ पे जो भी लिखा होता है ना। ठीक, तो इसको हमने इस तरीके से चूज़ किया कि x इज इक्वल्स टू 2। अब क्यों किया वो अभी आपको क्लियर पता चल जाएगा, बिकॉज f ऑफ 2 की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। यानी कि अगर हम f ऑफ x निकालें, f ऑफ x का मतलब x की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 2, तो बहुत ईजी है निकालना। कैसे, 4 × x की वैल्यू क्या रखोगे, 2, तो 4 × 2² + 5 x की वैल्यू 2 रखो तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, यहाँ 5 × 2 = 10 + 2 = 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 × 4 = 16 16 + 12 कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। यानी कि f ऑफ x की वैल्यू स्टूडेंट जरूरत पड़ने पर हम कितनी रखेंगे, 28 रखेंगे। ठीक है, अब ये थर्ड वाला स्टेप लगा दीजिए। ठीक है, थर्ड वाला स्टेप क्या होता था आपका, डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब आप क्लियरली यहाँ से चेक कर सकते हो कि डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना है आपका, x प्लस डेल्टा x है 2 + 0.01, यानी कि 2.01 माइनस एफ ऑफ x का मतलब एफ ऑफ 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी चूज़ करी आपने, 2, तो एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 कितना है आपका, 28 आया। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2.01 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 28 है। अब 28 बोथ साइड ऐड कर दो आप। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता था 28 को हम इधर भेज देते थे इसके पास। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से एफ ऑफ 2.01 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 28 + डेल्टा y। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, डेल्टा y सॉल्व करेंगे। ठीक है, और डेल्टा y जब आ जाएगा तो हम यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो वैल्यू आ जाएगी किसकी, अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 2.01 की। ठीक है, तो डेल्टा y फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये फोर्थ वाला लगाते हैं, डेल्टा y इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू डेल्टा x, करेक्ट। अब देखिए dy/dx निकाल लीजिए, तो dy/dx कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये जो फंक्शन आपका दिया यही y होता है, यही क्या होता है आपका y होता है, f ऑफ x ही तो y होता है, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करो, इसका डेरिवेटिव, हाँ भाई 4x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 × 4 = 8, और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 2 − 1 = 1, यानी कि x आ जाएगा, x की पावर 1 का मतलब x, और 5x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 5, 2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका dy/dx। लेकिन ध्यान रहे क्या, कि ये जो dy/dx आया है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी x का फंक्शन है, यहाँ भी x है, और x आपने कितना चूज़ किया था, x आपने 2 चूज़ किया था, यानी कि dy/dx = 2 निकाल लीजिए आप, यानी कि 8 × x की वैल्यू 2 रख दो और प्लस 5, तो 8 × 2 = 16 16 + 5 कितना होता है, 21 होता है, करेक्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया, यानी कि dy/dx की जो वैल्यू है एट x = 2 वही रखेंगे हम यहाँ, तो dy/dx आ गया आपका कितना, 21, करेक्ट, इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x कितना है स्टूडेंट्स, डेल्टा x है आपका 0.01, तो यहाँ हमने रख दिया 0.01। अब देखिए यहाँ तो 1 है, तो 21 × 21 हो जाएगा, और पीछे से 1 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, और आगे एक 0, यानी कि जो डेल्टा y आ गया है आपका वो आ गया 0.21। यहाँ पे कॉपी करते हैं, तो f ऑफ 2.01 इज इक्वल्स टू 28. एक्चुअल में हमको यहाँ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का साइन लगाना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, f ऑफ 2.01 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है, ये ऐसे कर दिया, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 28 + डेल्टा y, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मतलब लगभग वैल्यू हम इसकी निकाल रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू तो कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगी, फिर भी हम यहाँ कभी कभी आप देखो कि बुक्स में इक्वल टू लिखा रहता है, नहीं लिखना चाहिए, पता नहीं क्यों लिखा रहता है, मैं भी लिख देता हूँ, तो 28
प्लस 0.21 कितना हो जाएगा 28.21। तो अब हम आंसर कैसे करेंगे, हम आंसर करेंगे द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.01 इज 28.21।